डूड, 166 चैप्टर की अंतिम कड़ी कुछ इस प्रकार रही कि 167 चैप्टर की आने के उत्साह में हम बहुत ज्यादा प्रसन्न है। यस डूड, ओके। तो 166 चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लाइक एंडिंग में साइतामा अपने सीरियस मोड में जा चुका था, गारो ने उसके सीरियस मोड को कॉपी कर लिया था, दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। लेट्स सी फाइट किस तरह की रहेगी 167 चैप्टर के अंदर। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो इस वीडियो में हम 167 चैप्टर से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज देखने वाले हैं और देखेंगे कि 167 चैप्टर एक्चुअली में कैसा रहेगा, बिकॉज मानो या ना मानो भयंकर चैप्टर्स होने वाले हैं 167, 168, 169। लाइक एक दो चैप्टर तो अभी एकदम भयंकर होंगे जो कि हमें साइतामा का फ्यूचर बताएंगे कि अभी साइतामा हमें कितना ताकतवर देखने को मिलने वाला है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है कि ज़ेनोस मरा है या नहीं मरा है। एक्चुअली में हमने देखा था कि लास्ट में ज़ेनोस का जो कोर था वो अभी भी बाकी था जो साइतामा के हाथ में था। वैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब गारो ज़ेनोस को मार रहा था तो पीछे साइतामा देख के काफी ज्यादा शॉक था। लाइक वो समझ नहीं पा रहा था वो रिएक्ट कैसे करे, या तो वो जल्दी से आकर के ज़ेनोस को बचा सकता था या फिर वो उस वक्त पहुंचे जब ये सारा चीज हो चुकी थी और ज़ेनोस को देखकर फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लाइक मर चुका था उस वक्त ज़ेनोस। वैसे तुम लोगों ने यहां पर नोटिस किया होगा ज़ेनोस की मौत के बाद साइतामा थोड़ा सा शॉक था, लाइक बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसको गुस्सा आ रहा था। और उसके गुस्से का पता जब उसने फीस्ट बनाया था तो उस फीस्ट के आसपास की जो एनर्जी थी वही बता रही थी कि वो साइतामा कितना ज्यादा गुस्सा हो चुका है। लाइक ज़ेनोस के अलावा साइतामा का और कोई भी नहीं था, तो उसके मरने के बाद डेफिनेटली उसको गुस्सा आना नॉर्मल था। एंड यस, अभी साइतामा गुस्सा है, सीरियस मोड में जा चुका है, गारो को पंच मारने वाला है। यहाँ पर मैंने एक फैन थ्योरी पढ़ी थी और इसके अकॉर्डिंग लाइक ये सारा जो भी हो रहा है ना, ये सारा गॉड की ही प्लानिंग थी। गॉड सभी के इमोशंस को जानता है, उसको पता है कि उसको किस वक्त किस रूप में जाकर के किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, यही सब तो वो करता आ रहा है। एंड मे बी ज़ेनोस की बॉडी को डिस्ट्रॉय कराना गॉड की ही एक प्लानिंग थी, जिसमें कि वो साइतामा को इमोशनली टॉर्चर करना चाहता था, इमोशनली उसकी पावर्स को बाहर निकलवाना चाहता था, जो कि उसने किया भी। लाइक उसने अभी साइतामा को उसके सीरियस मोड में भेज दिया और वो भी ऐसा वैसा सीरियस मोड नहीं, अभी तक का सबसे पावरफुल मोड हमें देखने को मिलने वाला है वो साइतामा का। एंड यहां पर हो सकता है कि वो उसकी पावर्स को चेक कर रहा है वो कितना ताकतवर है। एंड मे बी जब वो गारो को खत्म कर दे उसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत ना हो तो फिर गॉड ज़ेनोस के ही रूप में उसके सामने आकर के उसको इमोशनली मैनिपुलेट करे। एंड मे बी साइतामा उसके इमोशनली ट्रैप में फंस जाए और शायद गॉड के साथ मिलकर के जो भी गॉड करना चाहता है, करवाना चाहता है, एकदम इवलनेस फैलाना चाहता है, शायद वैसा कुछ हो जाए। बट यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गॉड के साथ साइतामा मिल जाता है तो फिर वो भी इवल हो जाएगा, लाइक फिर वो भी ऐसे बुरे काम करेगा, लोगों को मारेगा वारेगा, फिर उसको कौन रोकेगा? साइतामा को रोकना कोई छोटी बात नहीं है भाई, मतलब मर जाएंगे सभी रोकते रोकते उसको। फिर मेरे दिमाग में ब्लास्ट आया। यस, ब्लास्ट ऑलरेडी ही गॉड की पावर से या फिर गॉड से बहुत पहले से रूबरू है एंड उसको पता है कि शायद उसको कैसे रोक सकते हैं। मे बी फिर ब्लास्ट को थोड़ा लीड रोल में लिया जाएगा एंड ब्लास्ट के थ्रू ही फिर साइतामा को नॉर्मल किया जाएगा। ये सिर्फ एक थ्योरी है, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता है। और अगर मान लो किसी तरह से ज़ेनोस को वापस ले आते हैं उसके कोर के थ्रू, तो भाई ज़ेनोस को देखने के लिए गारो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि साइतामा ने जिस हिसाब से गारो के ऊपर पंच मारा है ना भाई, मुझे नहीं लगता है गारो सर्वाइव कर पाएगा। बट हो भी सकता है, कर भी सकता है, क्योंकि यहां पर मैंने एक थ्योरी ये भी पढ़ी थी कि लाइक उसने एंडिंग में साइतामा के सीरियस मोड को कॉपी कर लिया था ना, तो मे बी हो सकता है कि वो लाइक कहता है ना गारो खुद की भाई वो ओपोनेंट से बेहतरीन उसकी ताकतों को इस्तेमाल कर सकता है। तो कुछ फैंस कह रहे थे कि वो साइतामा के सीरियस मोड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, बट यहां पर मेरा आंसर ये था लाइक उसने साइतामा के कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच को साइतामा से भी बेहतरीन इस्तेमाल किया था, बट अभी वो साइतामा की उस पावर से रूबरू होने वाला है जिस पावर के बारे में अभी सिर्फ हम थ्योरीज में कहते थे कि क्या हो साइतामा ये कर ले, क्या हो साइतामा इतना सीरियस हो जाए, भाई उस पावर को मुझे नहीं लगता है गारो कॉपी कर पाएगा। बट मुझे लगता है कि अभी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मे बी शायद कर भी जाए, किसको पता। वैसे मुझे नहीं लगता है कि गारो अभी साइतामा के सीरियस पंच को सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि अभी साइतामा बहुत इमोशनली टॉर्चर हो चुका है। और सबसे पहली चीज तो मुझे यहीं पर ये लगती है कि अभी ब्लास्ट इस बैटल में इंटरफेयर करने वाला है, बिकॉज ब्लास्ट के अगर तुमने वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा 166 चैप्टर के अंदर, तो ब्लास्ट कह रहा था कि अगर गारो अर्थ में रहते हुए किसी भी पावरफुल अटैक का यूज कर लेता है तो वो अर्थ की हर एक लिविंग थिंग को पूरी तरह डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मे बी अभी ब्लास्ट या फिर कोई पोर्टल के थ्रू उन दोनों को ही लाइक किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे, बट मुझे लगता है ऐसा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था दोनों एक दूसरे की तरफ स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट आ रहे थे और शायद ब्लास्ट इतनी जल्दी तो कोई टेलीपोर्ट नहीं ओपन कर सकता है। हो सकता है कि ब्लास्ट अभी प्लान बी को अपनाए, प्लान बी उसका वही रहेगा ना, अर्थ
की हर एक लिविंग थिंग को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देना, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि प्लेनेट अर्थ की हर एक लिविंग थिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि लास्ट में जब उसने सैतमा को सीरियस होते हुए देखा, गारो को सीरियस मोड में जाते हुए देखा, तो भाई उसने कहा ये एनर्जी पूरी अर्थ को चकनाचूर कर देगी, तो वो नहीं चाहेगा कि अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और अर्थ के अंदर रहने वाली हर एक लिविंग थिंग भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यस, वो सभी को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देगा, इन दोनों को छोड़ेगा, तुम लड़ते रहो भाई, मुझे नहीं पड़ी है। यस, मेरी थ्योरी तो कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है। वेल, 167 चैप्टर जल्दी ही आने वाला है, सो देख लेते हैं उसमें क्या होएगा। और वैसे ये सिर्फ कुछ फैन थ्योरीज है, तो इन चीजों को कुछ ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों की थ्योरी क्या है 167 चैप्टर से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर तुम इस चैनल पे लकीली नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।